हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। तो आज है रमज़ान मुबारक का दूसरा दिन और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है साढ़े चार हो रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं समोसे बना रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हम किस तरीके से समोसे बना रहे हैं। हम बना रहे हैं छोटे समोसे, ये देखें हम लोग बनाई जा रहे हैं। हम लोगों ने अपना उसका मिक्सचर बनाया था और हम यहाँ पर साथ साथ इनको बनाई जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इसकी शेप बना रहे हैं। और हमारे ना समोसे ख़त्म हो गए थे, पहले तो हम लोगों ने रोल बनाए थे तीन चार दिन पहले, वो हमने फ्रीज कर लिए थे, लेकिन समोसे ना सही नहीं बने थे तो फिर हम लोगों ने उसके कटलेट बना लिए थे। तो आज हमने दोबारा समोसे बनाया और अभी थोड़ी देर में इफ्तारी की तैयारियाँ भी शुरू हो जाएंगी। तो बस यहाँ पर बाहर का मौसम भी आजकल सही है क्योंकि आपको पता है मार्च का महीना आ गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग स्वेटर्स पहन रहे हैं। आज पहली बार मैं स्कूल स्वेटर नहीं पहन के गई, वरना मैं रोज़ पहन के जाती थी। तो मौसम भी साफ सुथरा है, देखिए क्लाउड्स कैसे छाए पड़े हैं और बस ऐसे ही है। और अब देखें जैसे कि रमज़ान चल रहा है, आप लोगों को चाहिए कि जितना हो सके सदका दें, ज़कात दें, क्योंकि ये महीना बार बार नहीं आता, साल में एक मरतबा ही आता है। और हम लोगों को चाहिए कि हम इस महीने का ना प्रॉपर तरीके से ना फ़ायदा उठाएं, जैसे मतलब हम सेल का फ़ायदा उठाते हैं ना, जैसे शॉपिंग लग जाती है 50% ऑफ, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हम लोग खरीद लें कम प्राइसेस में। तो इसी तरह से रमज़ान में भी हम जितनी नेकियाँ करेंगे उतना ही अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब देगा। तो आप भी ज़रूर इस बात को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ करें और रोज़े रखें। गाइस, यहाँ पर इफ्तारी बनना शुरू हो गई। यहाँ पर अभी हम बना रहे हैं आलू, जो हम बैंगन वाले बनाते होते हैं, ये हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। वैसे हमने पहले पहले कभी बनाया हो, लेकिन इफ्तारी में आज हम पहली बार बना रहे हैं। और अभी इफ्तारी में पूरा का पूरा डेढ़ घंटा बाकी है और अभी से हम तैयारियाँ शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर बैंगन कट हो रहे हैं और वहाँ पर आलू बन चुके हैं, बस इसका बनेगा बैटर और हम इसको मिक्स करके ऑयल में डाल देंगे। तो गाइस, अभी हम लोग फ्राई कर रहे हैं अपने बैंगन जो हमने बनाए थे, बस एमी बस चेक करने के लिए कि कैसे बने, उनको चेक करवा लेंगे मेरे को कि कैसा बना, और फिर हम लोग ताली में खाएंगे मज़े से। फ्राई कर रहे हैं अपने पोटैटो वाले पकोड़े और बस अभी तीन पकोड़े मैंने डाले हैं। इसको अब बहुत ज़्यादा आसान होता है, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा इसको, वो आराम से डिप करना अंदर और अपने इसमें आराम से डालेगा ताकि आपके हाथों पर छीलते ना आ जाए। तो गाइस, यहाँ पर हो रही हैं फ्राई टिक्कियाँ और यहाँ पर अभी हमारे वो भी फ्राई हो रहे हैं। ये अभी हमारी फ्राई हो जाएंगी। तो गाइस, हम लोगों ने अपने पोटैटोज और बैंगन भी फ्राई कर लिए, यहाँ पे शामी टिक्कियाँ भी बन रही हैं और बस इफ्तार का टाइम होने वाला है। यहाँ पर हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं और रोल रहते हैं अभी, तो बस 10 मिनट तक हमारा रोज़ा खुल जाएगा। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें, आप तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, ना लाइक करते, ना सब्सक्राइब करते, ना कमेंट करते। तो जल्दी से जाकर नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, आपस में बताया भी करें कि मेरे व्लॉग देख क्या करें भाई, किसके लिए बनाती हूँ। सो मिलते हैं कल एक और अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें।